जी राइट ओके अच्छा ये सारे आपने बनाए हैं एक्सीलेंट यस सर वाह जबरदस्त जबरदस्त देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये बस वो आइडिया यस सर लें और हाँ जी बिल्कुल वो आइडिया अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात मज़े की बात बताऊँ आपने फिर वो मुझे एक चीज़ फील हुई आपने शेड थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हैं शेड थोड़ा सा कम रखा करें थोड़ा सा लाइट रखें ये सर इसमें अगर ये वाली जो पिक्चर है ना ये इसमें जो वैसे भी मतलब थोड़ा बहुत शेड उसका है, पिक्चर का अपना शेड है। ओके ओके नहीं मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ एक मिनट मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ चलें बिस्मिल्लाह करते हैं स्टार्ट करते हैं या आपकी ये हो गया राइट ये तो वीडियो हो गई एक्सेलेंट यस सर भैया बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सिंक कर रहा है और मतलब एक जिस उस पे आपने बनाया बहुत अच्छा है बहुत ज़बरदस्त और म्यूज़िक की सिलेक्शन बहुत कमाल है ठीक है सही, ऊपर और साइड पे जो लिखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, ये मतलब उसका होता है, फोकास्ट होती है कि विंटर कलेक्शन की 2022 to 2023 में ये चीज होगी, और जी जी नीचे बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल वो बिल्कुल किया। ये बेसिकली फैशन की टर्मिनोलॉजी है और ये चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे से ठीक है ना क्योंकि यस मैं सर फंडामेंटली कोई फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक तो नहीं है मेरा है लेकिन ये चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर आर्टिकल नंबर्स होते हैं और ये मैंने कुछ सुना हुआ है इस किस्म की चीज़ें होती हैं इसमें खैर चलें बहुत आला जी बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये आपने बनाई है और मैं अब आपको ना आज हम स्टार्ट करते हैं एक जिस तरह हमने एक वो फूड बैनर बनाया था और कि ये तो आपने अच्छा ये आपने सारा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर किया है पहले फोटोशॉप में डिज़ाइन करके उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स में ले गए ये किया आपने यस ओके सर ओके आफ्टर इफेक्ट में किया। ओ आफ्टर इफेक्ट्स में किया और आपको एनिमेशन के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गए हैं ठीक है तो और साथ साथ इम्प्रूव करते जाएँ समझ आता जाएगा मज़ीद अच्छा फोटोशॉप में मैं आ रहा हूँ राइट मैंने ऑन किया और इसी किस्म के मैं ये तो आपने की बनाई है ना वीडियो हम एनिमेटेड बैनर बनाएंगे ठीक है और फोटोशॉप के अंदर ही बनाएंगे फॉर एग्जांपल ये फोटोशॉप की फाइल है और ये मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ओपन करता हूँ ये देखें इसकी हमने बैनर बनाया था ये हमारा बैनर है अब इस बैनर को अगर मैंने यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा मैं राइट क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ और सेव फॉर वेब ठीक है तो इसमें मेरे पास फॉर्मेट्स कौन से हैं ये फॉर्मेट्स हैं जिप फॉर्मेट है ये जिप फॉर्मेट जो है ना ये एनिमेशन को सपोर्ट करता है राइट और जेपीजी फॉर्मेट जो है ना ये वालेकुम अस्सलाम ये नॉर्मल बैनर्स के लिए ठीक है यानी ये एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता और जेपीजी के अंदर जो है ना ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट नहीं करता ये अगर आपने बहुत हाई कलर नॉर्मल बैनर्स बनाने हैं उसके लिए जेपीजी सबसे बेहतर है राइट और पीएनजी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है वो एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता ये दो चार दफ़ा करेंगे आपको ये चीज़ें याद आ हो जाएंगी राइट तो ये पीएनजी के दो वेरिएंट्स हैं पीएनजी 8 है और 24 है 8 ही रखें 24 में आपको ज़रूरत नहीं है वो खाम खा कलर ज़्यादा हो जाएंगे और फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा तो आपने एनिमेशन करनी है और अगर ये नॉर्मल बैनर था तो हमारे लिए बेस्ट है जेपीजी राइट जेपीजी पे मैं गया हूँ और 272.6 किलोबाइट्स का जो है ना ये फाइल बनी है मैं इसे सेव करता हूँ और ये इसको यहीं सेव कर लेते हैं राइट जी इसको यहीं पे सेव कर लेते हैं और ये देखिए ये बैनर बना है ठीक है और ये जेपीजी फॉर्मेट में ठीक है अभी इसी बैनर की मैं एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ ये देखिए एनिमेशन फोटोशॉप के अंदर भी हो जाती है बुनियादी तौर पे एनिमेशन का सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स है लेकिन जिस तरह ये है कि ये इनके सारे सॉफ्टवेयर जो है ना ये एडोब सिस्टम्स के ये दूसरे का काम भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं राइट थोड़ा थोड़ा नहीं अच्छा खासा कर लेते हैं
तो यानी एनिमेशन, अगर आपने एनिमेटेड बैनर्स देखने हो तो वो आप जो है ना, आप आजकल जो एड्स लगते हैं वो ज़्यादातर या तो वीडियो एनिमेशन होती हैं या एनिमेटेड बैनर्स होते हैं। स्टिल बैनर्स कम नहीं होते हैं, ठीक है, घूमते फिरते ज़रा, राइट। ओके, एनिमेशंस के लिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि जिस चीज़ को आपने एनिमेट करना है उसको इंडिपेंडेंट लेयर में रखना। आपको याद है जब हमने इलस्ट्रेटर की इलस्ट्रेटर से आफ्टर फैक्ट्स में एनिमेशन स्टार्ट की थी, तो हम लोगों ने यही किया था कि पहले उसको इलस्ट्रेटर में हर चीज़ को इंडिपेंडेंट लेयर में रख दिया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड, कोई हूँ हाँ वाला रिस्पॉन्ड कर देना कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग सुन रहे हो या नहीं, मतलब ठीक है। ओके, ये सर ओके। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस बर्गर को एनिमेट करना है, ये बर्गर है, ये देखें, ये मैंने इसको इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मुझे एनिमेट करना है। तो ये उस बर्गर की लेयर है, हमने बैनर बनाते हुए ये उसकी लेयर है जी। तो इसको मुझे एनिमेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दो चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके, दो वेज हैं जी। अब हमने कुछ लेयर्स के फॉर्मेट्स भी देखे थे, हमने यहाँ हमने देखा था एक रास्टर लेयर थी, ये प्योरली रास्टर लेयर है। फिर हमने शेप्स बनाई, वो थी वेक्टर लेयर। कुछ याद होगा आपको, मैं यहाँ कोई शेप बना देता हूँ, ये देखिए शेप, ये शेप बन गई। और ये देखिए इस लेयर में और इस लेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या, जो रास्टर लेयर है प्योरली पिक्सल बेस्ड लेयर है वो बिल्कुल ऐसे सिंपल है, और ये फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट लेयर है, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी फोटोशॉप को नहीं बताते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली लेयर पर बनाता है, क्योंकि ये रास्टर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, राइट। और दूसरी लेयर जो है ना वो वैक्टर लेयर है, यानी ड्राॅइंग की लेयर है। तो ये मैंने एक प्रॉक्सा बनाया, ये ड्राॅइंग ही है ना, इसके लिए ये एक वेक्टर लेयर जो कि फंडामेंटली इलस्ट्रेटर का काम है, तो ये वेक्टर लेयर बेसिकली बना देगा। और ये देखिए उसकी पहचान ये है, छोटा सा एक डब्बा सा बना हुआ है नीचे, राइट। तो ये बॉक्स है, इसकी पहचान है, ठीक है। तो इसका मतलब एक रास्टर लेयर थी और एक वेक्टर लेयर थी, ठीक है। और एक और लेयर थी जो हमने मैंने कहा था कि बाद में इस पर बात करेंगे, उस लेयर का नाम है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो बेस्ट वे है ना एनिमेशन का, एक तो हमने जो चीज़ एनिमेट करनी है उसको अलग अलग लेयर में रख लें। अब वो ऑलरेडी हमारा बर्गर अलग अलग लेयर में, लिहाजा में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट वे जो है ना वो एनिमेट करने का, वो ये है कि या तो आप उसको रास्टर लेयर में रख दें या आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दें, सर इसको ठीक है। हम जो वेक्टर लेयर होती है इसको हम रास्टराइज भी तो कर सकते हैं कंट्रोल दबा के, तो बिल्कुल उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना उसको इन करेंगे सिंक्रोनाइज। ये सारी लेयर्स एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दूं तो ये रास्टर लेयर बन जाएगी। अब यस ये सर, वेक्टर, अब ये वेक्टर फॉर्मेट में नहीं रहा, ये देखें वो छोटा सा जो निशान है वो गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ बात कि हमने जो लेयर बनानी है, जो चीज़ हमने ये बर्गर एनिमेट करना है, बर्गर को हमने ज़रा हिलाना जुलाना है, थोड़ा सा डांस डूंस करवाना है, ज़रा ऊपर नीचे दाएं बाएं, ताकि ये बैनर हिलता जुलता फील हो और हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो हम दे पाएं, ठीक है। तो ये एनिमेटेड बैनर्स होते हैं। तो पहला हमारा था कि हमने उसको इंडिपेंडेंट लेयर में रखना है, वो लेयर इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है, ठीक है। और दूसरी मैंने आपसे बात की, या तो वो रास्टर लेयर हो या वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, वो ज़्यादा बेहतर है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा एनिमेशन की ऑप्शंस आपके पास आती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये रास्टर लेयर ऑलरेडी है, मैं कहता हूँ रास्टर लेयर में अगर मैं रखूँगा तो मेरे पास जो जो एनिमेशन की ऑप्शंस हैं वो ज़रा लिमिटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, राइट क्लिक करें, क्या लिखा होगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ये क्या है, ये बाद में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली समझ लें कि जो असल चीज़ है ना वो कहीं पीछे जाके सेव हो जाती है और आप उसकी एक कॉपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये भी हो सकता है कि आपने एक लोगो बनाया, बनाया वो आपने इलस्ट्रेटर के अंदर है, तो आपने एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट फोटोशॉप में ले आए, और फॉर एग्जाम्पल एक लोगो बना हुआ है और वो लोगो आपने एक जगह ही बनाया हुआ है, ठीक है। आप 10 फोटोशॉप की फाइलों के अंदर उस लोगो को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो
तो आप एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट उन 10 फोटोशॉप की फाइलों में उसको ले आओगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि यार अगर मुझे उस लोगों में कोई तब्दीली करनी पड़ती है तो फिर मुझे 10 फाइलों में तब्दीली करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ले आओगे ना, तो असल जो लोगो होगा ना वो इलस्ट्रेटर की फाइल में ही पड़ा होगा, वो जस्ट एक कॉपी, एक लिंक उसका यहाँ आ जाएगा। अगर आपने उसमें तब्दीली करोगे तो वो 10 की 10 फाइलों में खुद ही तब्दीली हो जाएगी। ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसके नाम से जाहिर है स्मार्ट, ठीक है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो एनिमेशन के अंदर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपके पास सबसे ज़्यादा एनिमेशन की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, ये बन गया। अब मैं इसकी एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ। एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए मैं विंडो में जाऊँगा, ये फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर टाइमलाइन की ऑप्शन, ये थर्ड लास्ट ऑप्शन, टाइमलाइन की ऑप्शन आपने ऑन की, ये पैनल आपके सामने ऑन हो जाएगा। और ये देखिए दरमियान में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। इस पे दो वेज हैं, एक है जी क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, ठीक है। ये जो तरीका है ना एनिमेशन करने का, ये निस्बतन कॉम्प्लेक्स है, और ये बिल्कुल उसी चीज़ वही चीज़ है जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एनिमेशन करते हैं, ठीक है। उसी की थोड़ी सी सिंपल फॉर्म ले लेना। आफ्टर इफेक्ट्स तो फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर है ना, अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये एनिमेशन करने के लिए तो नहीं है असल में, तो ज़ाहिर है पूरी ऑप्शन तो नहीं होंगी, लिमिटेड ऑप्शन होंगे, लेकिन ये उसके नज़दीक तरीन है। और ये जो दूसरी है ना क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, ये बहुत सिंपल है, ये इसके अंदर ना वो चीज़ भी नहीं होती लाइक जिस तरह हमने एनिमेशन में हमने पढ़ा था कि एक स्टार्टर फ्रेम बना दिया और एक एंड फ्रेम बना दिया और दरमियान में की फ्रेम्स, इसमें की फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें जितने फ्रेम्स हैं ना वो बनते हैं बाकायदा, वो अलग बात है कि वो मतलब एक एक बॉल ने राइट से लेफ्ट तक जाना है, तो वो जितने भी फ्रेम्स हैं वो फोटोशॉप आपके लिए बना देगा, लेकिन वो नज़र आएंगे बाकायदा, की फ्रेम्स में तो नज़र ही नहीं आ रहे होते, ठीक है, वो बैकग्राउंड पे काम हो रहा होता है। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हम इस पे करेंगे जो हमारा ये वाला है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्रिएट वीडियो टाइमलाइन को सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये देखें ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया। इस फोटोशॉप की फाइल के अंदर जितनी भी लेयर्स थी वो सारी की सारी हमारी, ये देखें ये वैसे ही टाइमलाइन है जैसे उसकी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमें मौजूद है, और ये लेफ्ट साइड पे उसी किस्म की लेयर्स हमें मिल रही हैं इस किस्म की हमें आफ्टर इफेक्ट्स में मिल रही हैं, ठीक है। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर हमने एनिमेट किसको करना था, इसको करना था, ठीक है। असूली तौर पे अकलमंदी यही है कि बाकी लेयर्स को ना आप लॉक कर दो, ऐसे सिलेक्ट करके लॉक कर दो। फिलहाल चलो मैं नहीं करता, तो इस बर्गर को मैंने करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कैनवस के ऊपर ले आता हूँ, और बर्गर की ये लेयर है, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि जी बर्गर की लेयर कौन सी वाली है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए नाम देने का फ़ायदा हो गया, ये लेयर है बर्गर, ठीक है। ये जो आप वाइट हाईलाइटिंग हो रही है ना, तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो गई है, तो ये नाम देने का आपको फ़ायदा हुआ है। बर्गर्स, नो दिस इज़ टेक्स्ट, नो 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 दिस इज़ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। हम देखते हैं हमारा बर्गर किधर पड़ा हुआ है। दिस वन इज़ बर्गर, ओके 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 ओके। ये देखिए ये प्रोडक्ट्स का ग्रुप है, और यहाँ भी वो ग्रुप शो हो रहा है, ठीक है। ये है बेसिक, यहाँ भी ग्रुप के अंदर है, और ऑब्वियसली यहाँ भी उसी के अंदर आपको शो। तो ये आप वो बर्गर, ये देखिए छोटा सा बर्गर बना हुआ, इसको मैंने किया, और अब मैं लेफ्ट साइड पे आके इस एरिया को मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसकी एनिमेशन पहले, सबसे पहले टाइमलाइन को मैंने बताना है कि मुझे 0 सेकेंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ से मैं टाइमलाइन को अपना जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ ताकि वो नज़र आ जाए। ये टाइम लाइन को सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं कह रहा हूँ 0 से तूने स्टार्ट करना है, और क्या करो ट्रांसफॉर्म ऑन कर दो, ये एनिमेशन ऑन कर दी। जैसे ही ऑन की, ये देखें की फ्रेम बन गया है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, किसी चीज़ को बड़ा छोटा करना, घुमाना, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो मैं एक सादी सी एनिमेशन आपको करके दिखाऊंगा, और आप लोगों ने ज़्यादा ट्राई करनी है, राइट। ये देखें ये मैंने की फ्रेम बना दिया। अब मैंने कहा भाई 0 में तुमने ये करना है, और एंड पे जाके ये 15 फ्रेम्स के बाद जाकर आप क्या करो, दोबारा की फ्रेम ऐड कर दो। यानी ये स्टार्टिंग की फ्रेम है, ये एंडिंग की फ्रेम है, ठीक है। बहुत आसान है, आफ्टर इफेक्ट्स की नस्बत काफ़ी आसान है ये,
आपने स्टार्टर की फ्रेम पे, अब आपने करना क्या है, आपने दरमियान वाले फ्रेम्स वो खुद बना देगा, आपने अब उसको बड़ा छोटा करना है, कुछ करना है, लेकिन आपने अब फैसला करना है कि आपने कैसे करना है, बड़े से छोटा करना है। ओके, मैं स्टार्टर की फ्रेम को पकड़ता हूँ और कंट्रोल टी कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ मुझे नॉर्मल फोटोशॉप की जितनी ऑप्शन है ना वही इस्तेमाल करनी है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट में इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट, मैंने इसको बड़ा किया और यहाँ ये छोटा है, अब इसको देखते हैं, राइट, ये देखो, ये देखो, आपने देखा होगा इस किस्म की एनिमेशन आजकल आम है, ऐसे बना लो बस, ऐसे बना, ठीक है। और मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार जो दूसरी ओपेसिटी क्या होती है, एक चीज़ आर पार नज़र आना, ट्रांसपेरेंसी, यानी एक चीज़ पहले बिल्कुल नज़र, अगर आप जीरो ओपेसिटी, इसका मतलब वो नज़र नहीं आ रही, ओपेसिटी 10 से लेके 100 तक जा रही है, तो 1 2 3 आहिस्ता 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 वो नज़र आने लग गई, राइट। तो अब ओपेसिटी की एनिमेशन मैं यहाँ ऑन करता हूँ, वो भी जीरो के ऊपर, मैं कहता हूँ जब ये बिल्कुल इतना बड़ा है ना, तो ये मैं ओपेसिटी ऑन कर, जैसे ही मैंने एनिमेशन ऑन की, आखिरी तो मैं बाद में दूंगा, मैं यहीं उसको बता देता हूँ कि मेरे भाई इसकी ओपेसिटी जीरो कर, राइट। और अब मैं इधर आ रहा हूँ, यहाँ आने का मकसद क्या है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं मुझे रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि यार अगर वो जो वो वाली ऊपर वाली एनिमेशन वो हुई है ना, मतलब वन, ये कितने सेकेंड है, 15 फ्रेम्स के बाद ख़त्म हुई है ना, तो ये भी 15 फ्रेम्स के बाद ही ख़त्म, सिर्फ उसके साथ सेंक करने के लिए, वाकई मेरी मर्ज़ी है, मैं जब मर्ज़ी एक चीज़ को बंद करूँ, एक चीज़ को चलाऊँ, ठीक है। अब ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, मैंने एक ही की फ्रेम बनाया और उसकी ओपेसिटी जीरो कर दी है। मैं इधर आ रहा हूँ 15 फ्रेम्स के बाद, दोबारा इसको इसको ऑन करता हूँ और ये देखो ओपेसिटी यहाँ भी इसको जीरो मिल रही है, यहाँ मैं इसको 100 कर देता हूँ, ये राइट। क्या मुश्किल काम था कोई, ठीक है, बैनर बनाओ, उसको एनिमेट करो। अब वह छोटी सी चीज़ है और आप कहोगे कि यार अब मुझे ये बैनर लगाना है, चले जब एक चीज़ हो सकती है, ताकि आपको ज़रा सादी सी चीज़ बताइए ताकि आप लोग आराम से इसको बहुत ज़्यादा मैं हर चीज़ को करने लग जाऊँगा, तो सादा सा पहले कर लें और उसको इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एक नॉर्मल बैनर खोला और मैंने कहा यार मैंने फेसबुक के ऊपर लगाना या फेसबुक एड्स पर लगाना या मुझे वेबसाइट के जो गूगल एड्स हैं उसके ऊपर लगाना है या यूट्यूब एड्स पर लगाना, दे दें उनको, लग जाए, साइजिंग उनके हिसाब से कर दें बस, सिर्फ साइजिंग का मसला होता है और वो किसी को भी याद नहीं होती, अगर आप डेली बेसिस पे काम करो कि साइज़ याद हो जाएगा कि यार ये साइज़ है, और बाजू का तो उनके तब बदलते रहते हैं, तो कहते हैं यार अब ऐसे नहीं, अब ऐसे कर, ठीक है, तो साइज़ के चक्कर में ना पड़े, वो उसी वक्त पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप लगा दो, राइट। अब आप चाहते हो यार वो एनिमेटेड बैनर मैंने लगाना, और आप कह रहे हो कि यार वो हरकतें तो वीडियो वाली करना है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनानी, एक ऐसे फॉर्मेट में देना है जो फॉर्मेट एनिमेशन को सपोर्ट करता है, और ये वाला फॉर्मेट कौन सा था, जेपीजी, जेपीजी एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता, एक वाहिद फॉर्मेट है जिसको कहते हैं जीआईएफ, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये जब से इंटरनेट ये ब्राउजर्स वगैरह बने हैं तब से चल रहा है, तो बड़ा शुरू का है ये, दुनिया की हर जगह पर चल जाता है। हाँ, कुछ जगह पे ऐसे होता है कि एनिमेशन जो है ना आपने बंद की होती है, अच्छा आप नॉर्मल नॉर्मल जो है वो बंद की होती है, व्हाट्सएप के ऊपर बाज़ूकात बंद होती है नॉर्मली, लेकिन व्हाट्सएप पे आप कुछ वो एमोजीज भेजते हैं, देखे हैं आपने, वो कुछ कार्टून करेक्टर्स भेजते हैं, वो सारी जिप्स होती है, वो एनिमेट कर रहे होते हैं, तो आप वो भी आप बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर पे कार्टून करेक्टर बनाए, जिप में जाके एनिमेट करें और वहां आप अपना सेव कर लें। सर जीएफ जीआईएफ की का फ्रेम साइज 50 सेकंड 5 सेकंड से ऊपर नहीं ना होता, कम ही होता है ना? नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो फिर फाइल साइज हैवी होता जाएगा, आपको हर अब हर चीज का ख्याल रखना है ना। अब देखो ये एनिमेशन हो गई है, चलो अब मैं यहां इसको टेस्ट क्या करूंगा, ये प्ले करके टेस्ट कर लूंगा। ओके,
चले जी, मैं कहता हूँ नहीं यार, ये यहाँ मैंने फोटोशॉप में तो नहीं खोलनी ना, अब ऐसा बैनर मैं इसको देता हूँ, और ऐसा बैनर जो हर जगह चल जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लूँगा, और उसके बाद उधर ही जाऊँगा, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, राइट, और फाइल फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट करूँगा, GIF। GIF स्टैंड फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज, ग्राफिक हाँ, ग्राफिकल इंटर या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये कहलाता है ये, राइट। JPG से बनता है जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये बेसिकली इंजन्स होते हैं कि कैसे हैंडल करना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो GIF का जो इंजन है ना आपकी मशीन के अंदर, दुनिया में हर जगह ये अवेलेबल होता है, मोबाइल्स में भी होता है, डेस्कटॉप पे भी, हर जगह होता है, टैबलेट्स में भी। ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट का फ़ायदा ये हर जगह चल जाता है, ठीक। तो GIF मैंने किया, और ये देखें 256 वेब सेफ कलर्स और ट्रांसपेरेंसी, यहाँ वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन चलो ऑन कर दी है। स्टिल देखें जी क्या हुआ, 4.3 मेगाबाइट्स, ठीक है, वो मैं वजह बताऊंगा उसकी आपको, क्योंकि वो जो है ना, वो बर्गर जो है ना, वो रास्टर फॉर्मेट है, रास्टर फॉर्मेट रिक्रिएट नहीं होता। रास्टर फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला के जरिए इसको जो है ना, जिस तरह वेक्टर आर्ट है, मैंने आपको कहा कि एक दायरा लगा है, तो अगर आप दायरे को जूम करते हो तो वो एक वाइड एंगल के ऊपर दोबारा दायरा लगा के मिली सेकेंड्स के अंदर इसको रिक्रिएट कर देता है, तो वो चीज़ फाइल का साइज नहीं पड़ता, इंजन जो है ना वो अपना काम कर रहा होता है, फार्मूलाज के जरिए रिक्रिएट हो जाती है चीज़। लेकिन यहाँ वो रिक्रिएट नहीं हो रही होती, कॉपी बन रही होती है। जितना बर्गर, जितने फ्रेम्स बर्गर बना है ना, बर्गर की उतनी कॉपियाँ बनी, तो वो कॉपियों ने, अगर एक एक कॉपी जो है ना वो 100 किलोबाइट की कॉपी है, तो उसने फाइल साइज तो बढ़ाना है। फाइल साइज को हम बाद में देख लेते हैं, पहले आप इसको एनिमेट करना सीखें, वो बाद में तो यानी ऑप्टिमाइजेशन हो रही। 500 KB की 5 सेकंड्स की होगी अगर इस तरह होता। नहीं, एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन बाद में देखेंगे, राइट, यस बात सर। वो सेकंड स्टेप है। ये लें जी, और खास तौर पे अगर आप जी, यस सर। ये देखिए, ये GIF है, ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, ये ले, मैं इसे ओपन करता हूँ, राइट, दोबारा बहुत फास्ट था, ओपन करते हैं, ये ठीक हो गया। आपने इसको थोड़ा स्लो डाउन करना है, तो आप इसके की फ्रेम्स को पकड़ें उसी तरीके से, की फ्रेम्स को पकड़े और इनको थोड़ा दूर ले जाओ, ठीक है, वो आराम से आएगा। यानी जो काम उसने 15 फ्रेम्स में करना है, या आई गेस ये 0 सेकेंड है, तो ये सेकेंड टाइम में गिन लेते हैं, ठीक है, तो चले आसान लफ्जों में, जो काम उसने 1 सेकेंड में करना है वो 2 सेकेंड में करेंगे, खुद इसको बस ये है, राइट। चले, तो अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या करें, अब हम ये बर्गर के वर्ड को पकड़ते हैं, ये बर्गर का वर्ड है, ठीक है, इसको मैं पकड़ता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अगेन इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जांपल आपने इस पे एनिमेशन अप्लाई कर दिया, आप ये वर्ड चेंज करना चाहते हैं, इसे डबल क्लिक करो, ये देखो, तो देखो अलग लेयर खुली है, वर्ड चेंज कर दो, और जहाँ जहाँ भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होगा वो वहाँ वर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया कि ये लिंकिंग होती है, असल चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होती है और उसको जस्ट उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो ओरिजिनल ओरिजिनल चीज़ अपनी जगह पड़ी होती है, इसके इसके उलट जो चीज़ है वो है कॉपी कर दी जाती है। तो कॉपी कर दे, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो मैं उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको दे दूँ, आप उस फोटो कॉपी के ऊपर लाइनें मार दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा, सिंपल ऐसे ही। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि आप इसी को यूज़ कर, आप इसको यूज़ कर रहे हो, आपने इसको उसकी एक बेसिकली उसको ना एक कॉपी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसको कहते हैं इंस्टेंस, ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट के तौर पे है, इसके साथ आपने अपने आप को लिंक करना है, वहाँ शो करना है। इंस्टेंस में बहुत बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो जाती होती,
ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल यहाँ से मैं इसको इंस्टेंस उसका यहाँ शो कर देता हूँ, वहाँ भी कर देता हूँ, वहाँ भी कर देता हूँ। अगर यहाँ मुझे इसकी फंडामेंटल कोई तब्दीली करनी है, जिस तरह ये बी ख़त्म करना है, मैं ख़त्म करूँगा, जितनी जगह इंस्टेंस यूज़ होगा हर जगह बी ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। चलो ये मैं बर्गर के वर्ड को पकड़ता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि ये वर्ड है किधर है। ठीक है, ये देखें ये वाला आ गया और इसके ऊपर भी। ठीक है, इस पे भी हल्का सा वही कर देता हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब जल्दी से करता हूँ। ठीक है, और देखिए ना, बैनर्स के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि बारी बारी आप चीज़ को दिखाएं एक ही वक्त में। एनिमेशन का मकसद ये है कि जब चीज़ कोई हिलती है ना, तो फौरन आपका ध्यान जाना चाहिए उधर। अगर ध्यान जा रहा है तो वो जो पैगाम देना चाह रहा है, जो वो चीज़ ट्रांसलेट करवाना चाह रहा है, जो वो चाह रहा है वो हो जाएगा आपके दिमाग। अगर एक ही वक्त में दो चीज़ों को हिला देंगे, ठीक है, तो या तो आप इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो, तो वो मतलब थोड़ा सा सेंस बनती है कि आप ऐसी चीज़ को पकड़ो जो। अब बर्गर को मैं पहले ट्रांसफॉर्म करता हूँ हल्का सा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ और थोड़ा सा आगे जाके ना दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन का एनिमेशन, ये दो की फ्रेम्स बन गए, रेंज बन गई। तो मैं कहता हूँ कि यार शुरू में भी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ही है जो नज़र आ रही है, आखिर में भी इतनी है। अगर आखिर में आकर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन या शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन कम कर देता हूँ, वही कंट्रोल टी करता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और हो गई ट्रांसफॉर्मेशन कम, ये राइट, कितना इजी था। और ओपेसिटी देनी है दे दें, अभी ये सिंपल सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करें, ओपेसिटी देनी है। ये आपने ओपेसिटी ऑन की, ऑन करते हुए आपने कहा जी जब ये इस हालत में हो ना, तो ये इसकी ओपेसिटी हो ना, नज़र ना आए, या थोड़ा बहुत नज़र भी आ जाए, ये इस तरह हो। ठीक है, और जब ये सर इसके जी ट्रांसफॉर्मेशन के सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी, स्टाइल। नहीं बेटा, आप पहले इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा करो, क्योंकि यहाँ ना मतलब हर किस्म के बच्चे एक्चुअली बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करवा दूंगा ना, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इस पे प्रैक्टिस कर लें, अगर इतना बना लिया तो फिर बाद में और ऑप्शंस के ऊपर बात कर लेंगे। राइट, ऑब्वियसली नॉट, मतलब जो आप बात कर रहे हो कि ये वाली ऑप्शंस नहीं है, ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा इधर लेकर आ रहा हूँ। अब देखो, अब दूसरी एनिमेशन जो है ना, यहाँ मैं की फ्रेम दोबारा बना रहा हूँ और यहाँ मैं ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ 100% तक। तो अच्छा, अब मैं काम कर सकता हूँ कि यार एक मैंने बर्गर के लिए काम किया था, और ये जो ऊपर वाला बर्गर है ना, ये बहुत जल्दी जो है ना ये सामने आए जो जो लिखा हुआ है। तो मैं इसके सॉरी ये दोनों की फ्रेम्स एंड वाले पकड़ता हूँ और इनको पीछे ले जाता। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है, और थोड़ी देर बाद ना ये मेरा जो फोटोशॉप है ना, ये ज़रा जैम सा हो जाता है। ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी ये मसला, रिकॉर्डिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये। ये एक्चुअली लेयर्स बहुत बन गई हैं, तो अब वो उसको ना रेंडर रेंडर कर रहा है बेसिकली। स्क्रैच डिस्क इज फुल, एक्सक्यूज मी ये सर, मेरे जी। सर वो मैंने लिंक शेयर किया था, वो आपने करके देखा था कौन सा लिंक? सर? शेयर किया था, ये स्क्रैच डिस्क का आ रहा होता है ना ऑप्शन, तो ये नहीं क्लीन अप नहीं वर्जन होता है काफी अच्छा। वो नहीं बेटा, मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या है, वो मुझे आइडिया, मुझे पता है कि उसमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं उसको छेड़ नहीं सकता। मेरे इस मशीन के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हुआ हुआ है, पता नहीं क्या क्या कुछ इंस्टॉल हुआ हुआ है। वो एक चीज़ मैं छेड़ूंगा, दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी।
सर नहीं, ठीक है। उससे नहीं होता ना कुछ भी ऐसा ना, वो जो एक्स्ट्रा जिस तरह फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, जो अनयूज्ड हो रही होती हैं, जिनका कोई वो भी नहीं होता, सिर्फ वो ठीक है उनको डिलीट करता है और उसके बाद क्लीन अप करता होता है बेसिकली ना, तो वो काफी ओके ज्यादा स्पेस, मतलब काफी ज्यादा नहीं, मतलब क्लीन अप हो जाता होता है, कुछ कुछ ना कुछ स्पेस बच जाती होती है। आप ड्राइव क्लीनअप की बात कर रही हैं ना? जैसे सी ड्राइव की भी क्लीन अप हो जाती होती है, तो वो जरा इजी हो जाता वो है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने की है, वो मुझे आइडिया है वो सारा, ठीक है ना? यस सर, वो सर ये वो इसके हाँ रन वो किया रन है में वो जहाँ पे एक्चुअली। कैंपेन होते हाँ होते हैं मैं वहाँ पे आप उसको लोगों को खोलते तभी हैं। तभी मैं आप लोगों को बोलता होता हूँ कि जिस वक्त आपने अपनी मशीन तैयार करनी है ना, तो आपके जो हार्ड ड्राइव हो ना, SSD कार्ड जो आपने लगाना है, कम से कम 512 का लगाना है, इससे कम ना लगाना। मैंने इससे कम लगाया था और मुझे नुकसान हो रहा है, राइट? तो 512 से कम ना लगाना। आजकल जो है ना वो चीज़ें हार्डवेयर बहुत, और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अब आगे मेटावर्स का दौर आ रहा है। मेटावर्स जो है ना वो वर्चुअल और फिजिकल वर्ल्ड की ब्लेंडिंग है। यानी आप लाहौर में बैठे हुए हो, ऐसी एक इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। आपकी सहेली जो है ना वो इस्लामाबाद में, दोनों ने सेंटोरस जाना है, तो मेटावर्स के जो डिवाइसेस है ना वो लगा के आप लोग रियल एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। सर ये जो है ना, मैं सुन रही थी मेटावर्स का, ये यूथ क्लब वाले वो तो वो फिर से दज्जाल की इल्यूमिनाटी वाली नहीं वगैरह नहीं उससे वो कर रहे जो जो देखो मेरी बात सुनो, जो जो थे। यस सर, जाहिल अकवाम होती है ना हमारे जैसी, वो इसी किस्म के, मेहनत तो उन्होंने करनी कोई नहीं है, ठीक है ना? किसी चीज़ में घुसना है उन्होंने ना, उन्होंने रिसर्च करनी है। तो ये जादू नगरी, ये आप यकीन जाने एग्जैक्टली यही हरकतें आज से 1000 1500 साल पहले गोरे यही हरकतें करते थे, वो जादू टूने और ऊट पटांग बातें और फजूल बातें। नहीं मुसलमान उस वक्त सर, रिसर्च नहीं सर, मुसलमान उस वक्त जादू रिसर्च टोने कर रहे नहीं। होते थे। यस सर, सर ये बेसिकली नहीं नहीं वो उनकी ये स्टडी थी वही वो बता रहे थे। ये वही माइंडसेट है, ये वही माइंडसेट है। हर चीज़ को ना वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर ले जाना, ठीक है? सर तो लेकिन ये उन्होंने कहा था नंबर कि मुमकिनाती तौर पे, वो जिससे पूछा था ना, वो कहते मुमकिनाती तौर पे हो सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई ये दज्जाली फितना होगा या क्या, ये तो तो अल्लाह आप मत जानता करो, है। आप भी बना लो। आप तो अपना सारा टाइम क्रिकेट में जाया कर देते हो, आप भी रिसर्च करो। आपको मना किया है? या सर प्रेसिडेंट बुश आपको, या वो जो बाइडन आपका हाथ पकड़ लेता आके, आप खुद नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है। अभी देख लो यहाँ, यस मैं सर, मुझे खुद जाती एक्सपीरियंस हुआ है ये इस कोर्स के अंदर, यस सर, ठीक है? यस सर, मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात बताता हूँ, बजाय खुश होने के इरीटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हालांकि ये वो है कि यार हमें ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, नहीं, हम लोग वो कौम ही नहीं है जो ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को ग्रैब करना चाहे, हम लोगों का सर दुखने लग जाता है। हाँ फजूल बातें करनी है लुमनाती और ये और वो कर रहे हैं ना, ओके वो आपके दुश्मन है, ठीक है मान लिया, तो अब अपने मुकाबला करो, सर वैसे कह रही हूँ, उनकी मेटावर्स तारीफें का करके तो वर्ड, कुछ नहीं होना। वो मेटावर्स का वर्ड मैंने वहां पे सुना था कि वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देते होते हैं ऑगमेंटेड उसके रियलिटी थ्रू। है, मिक्स्ड रियलिटी यस है और वर्चुअल सर, रियलिटी है। बेसिकली फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड को की ब्लेंडिंग है, ठीक है? आपने यस वो सर, एक गेम देखी थी कुछ अरसा पहले, गेम आई थी क्या नाम लेते हैं, और ये जो सब चीज़ें आप जो सर्विसेज दे रहे हो ना, अब ये मेटावर्स में चली जाएंगी, ठीक है ना? आप अपने क्लाइंट के साथ जो है ना डायरेक्टली डील कर रहे हो, उसको जो है ना ग्राफिक्स बना हुआ दिखा रहे हो, और आपको ऐसे फील हो रहा है वो आपके साथ ही बैठा है, हालांकि वो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, ठीक है? और वो जो सही है। वीआर तो वैसे भी अवेलेबल होता है ना, मतलब गेमिंग के लिए तो वीआर अवेलेबल है ना, आप उसके लिए लेकिन होम थिएटर एक्सपेंड VR, कर अब लेकिन ये करेंगे। नॉर्मल डिवाइसेस नहीं चलेंगी ना अब, ठीक है ना? जिस तरह हॉलोलेंस है, ये होलोग्राफिक जो डिवाइसेस हैं, वो जो गूगल ग्लास और इस किस्म की चीज़ें, ये इन्वॉल्व हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है? ये नॉर्मल डिवाइसेस ये फिर ख़त्म होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो बहरहाल मैं मतलब बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो हमारी सिस्टम की जो है ना वो रैम नहीं चल रही और हम मेटावर्स पे चल पड़े, ठीक है? रैम से मुराद है वो नहीं चले जी, इधर आ गए। और एक्चुअली हुआ यही है कि ये जब मैंने इसको एनिमेशन करने की कोशिश की है, तो इसलिए तो उसकी ना उसने रेंडरिंग की है और बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेस एक्वायर कर ली है, तो मेरे वो हार्ड डिस्क में उतनी स्पेस नहीं थी। ये लो ये इस वक्त भी यही कह रहा है, वेट अ सेकेंड। ये आप इसकी बात कर रहे हो ना बच्चों, आप भी देख लो, आप लोगों को भी ये मसला आ सकता है। डिस्क क्लीनअप आपने करनी है और ये
फाइल जो है ना सिस्टम फाइल्स के ऊपर भी जाकर इसको ट्राई कर लो। अगर किसी किस्म की, ख़ास तौर पे ये विंडोज़ अपडेट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये स्पेस ले लेता है, और यहाँ जाके आपने ख़ास तौर पे सिस्टम रीस्टोर और शेडो कॉपीज़ जो है ना इनको भी क्लीन कर देना है। मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ, आपके अगर हो सकता है बनी हुई हो तो वो जो है ना वो क्लीन हो जाएगी, लेकिन मुझे मेरे सिस्टम पे कोई असर नहीं होगा। ये सुबह ही थोड़ी देर पहले मैंने किया है, ऑलरेडी जो फारिग करनी थी वो कर चुके हो। 10 GB फ्री की थी, 6 GB ये ले गया। सर, अब मैं इसके सिस्टम अलावा विंडोज के ऊपर राइट क्लिक करके तो जो रन वाला ऑप्शन होता है उसके थ्रू भी काफी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद लास्ट में इसको क्लीन अप करते हैं और रिसाइकल जी बिन से भी जो है वो मतलब ओवरऑल डिलीट नहीं कर नहीं नहीं देते हैं उसको। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फूड राइट इधर आ जाते हैं, और नहीं ये अब फोटोशॉप एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा, मुझे आई नीड टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर, देन ये वो करेगा। एक्चुअली हुआ ये है, उसकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं। ठीक है, आप मुझे अलाउ करते हैं ज़रा रीस्टार्ट करूँगा तो ओके, आप मुझे अलाउ करें मैं ज़रा सिस्टम रीस्टार्ट कर लूँ, प्लीज़ कर लूँ जी 2 मिनट। यस सर। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, जस्ट